दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है और इसी की कड़ी में आज दो बेहद ही अच्छी खबर निकलकर हमारे सामने आई है, जिसके तहत जहां हमारी पहली खबर रूस और भारत के द्विपक्षीय संबंधों की तरफ से निकलकर आई है, जहां पर रूस ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी भी देश को नहीं थी और इस कदम को उठाकर रूस ने ये बात भी साबित कर दी है कि वह भारत को अपने लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर के यूएई दौरे की तरफ से निकलकर आ रही है, जहां पर उन्होंने यूएई के साथ मिलकर एक काफी महत्वपूर्ण संगठन के साथ कोऑपरेशन पर बातचीत की है और साथ ही इसी बीच उन्होंने अपने ईरानी काउंटर पार्ट के साथ भी फोन पर बात की, जो कि इसे देखते हुए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि मौजूदा समय में डॉक्टर जयशंकर ईरान का दौरा कर रहे हैं। इन दोनों ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं रूस की तरफ से आ रही खबर के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में सामने निकल कर आई मीडिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस भारत को $60 प्रति बैरल से भी कम कीमत पर क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि इससे भारत को रूसी तेल बाकी देशों के तेल के मुकाबले 40-45% तक सस्ती कीमतों पर मिल रहा है, जो कि भारत के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद सौदा है। साथ ही ये बात भी काफी महत्व रखती है कि ऑयल प्राइस कैप के लागू होते ही रूस भारत को इससे भी कम कीमतों पर तेल ऑफर कर रहा है, जबकि भारत ना तो ऑयल प्राइस कैप में रुचि ले रहा है और ना ही भारत इसे मानने के लिए तैयार हुआ था, जिसका मतलब यह है कि रूस साफ तौर पर भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी चिंतित था। वहीं उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया ताकि भारत किसी भी हालत में पश्चिमी देशों के साथ ना चला जाए, भले ही इसके लिए रूस को खुद ही 40-45% के डिस्काउंट पर भारत को तेल क्यों ना ऑफर करना पड़े। रूस पहले ही भारत को 35% तक का डिस्काउंट दे रहा था और अब अचानक से इतना सस्ता तेल ऑफर होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव काफी कम पड़ेगा। वहीं अगले 5-6 महीनों में भारत की महंगाई दर तेजी से कम होने लगेगी, क्योंकि तेल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, अंततः देश के अंदर हर सामान की कीमत घटेगी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी खबर है। हालांकि भारत ऑयल प्राइस कैप पर कोई बड़े बयान देने से बच रहा था, वहीं हमने ये बात साफ नहीं की थी कि क्या हम इसके समर्थन में है या फिर विरोध में है, पर प्राइस कैप के मामले में भारत की चुप्पी ने ये बात साफ कर दी थी कि हम इसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि भारत को रूस से पहले ही काफी सस्ती कीमतों पर तेल मिल रहा था। तो ऐसे में रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंध खराब करके कुछ डॉलर और सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन रूस इस बात को समझ चुका था कि प्राइस कैप लागू होने के बाद भारत के लिए भी रूस से लगातार तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब तेल की सप्लाई में परेशानियां सामने आएगी। और इसी परेशानी का हल निकालते हुए रूस ने पहले ही भारत को ऑयल प्राइस कैप की गाइडलाइन से भी सस्ता तेल ऑफर करना शुरू कर दिया, ताकि पश्चिमी देश भी भारत को रूसी तेल खरीदने पर टोक ना सके और खुद पश्चिमी देशों के ही ऑयल टैंकर रूस का क्रूड ऑयल भारत तक पहुंचाए। बहरहाल, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत और यूएई ने ब्रिक्स और एससीओ संगठन के बीच में कोऑपरेशन को लेकर बातचीत की है, ताकि भविष्य में ये दोनों ही संगठन एक साथ मिलकर काम कर सके, जिससे हर देश का विकास हो, जो कि मौजूदा हालात में काफी ज्यादा जरूरी है। यूएई के साथ ये बातचीत खुद भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने की, ताकि साझेदारी के इस मुद्दे को तेजी से आगे ले जाया जा सके और हर देश ब्रिक्स के साथ साथ एससीओ के फ्रेमवर्क का पूरा फायदा उठा पाए, जिससे इस पूरे रीजन में न कि सिर्फ स्टेबिलिटी आएगी बल्कि प्रोस्पेरिटी का भी रास्ता खुल जाएगा। वहीं पर दोनों देशों के बीच हुई ये बातचीत इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बातचीत तब हो रही है जब तेल की प्रोडक्शन में कमी और तेल के दामों को लेकर खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच में विवाद हाल ही में बढ़ गया था। इसके अलावा आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि जिस दिन डॉक्टर जयशंकर यूएई के साथ ब्रिक्स और एससीओ के बीच में साझेदारी को लेकर बातचीत कर रहे थे, उसी दिन डॉक्टर जयशंकर ने अपने ईरानी काउंटर पार्ट के साथ भी बातचीत की, जिसके दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कनेक्टिविटी और कई संबंधित मुद्दों पर बातचीत की, जिसे हम ईरान में भारत द्वारा बनाए जा रहे चाबहार बंदरगाह और INSTC प्रोजेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से लगातार भारत खाड़ी देशों और ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, क्या आपको लगता है इससे भविष्य में खाड़ी देश भारत की विदेश नीति में काफी प्रभावशाली बन सकते हैं, क्योंकि भारत लगातार कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहा है। तो क्या इसके बावजूद भी खाड़ी देश भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बने रह पाएंगे या फिर नहीं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।